हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय द फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे किचन में गर्मा गर्म प्याज के पराठे। प्याज के पराठे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से प्याज के पराठे बनाना बताऊंगी और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप आटा, स्वाद अनुसार नमक और पानी डाल के अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। आटे को गूंथ लिया है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और अच्छे से मत लेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम बनाएंगे फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए हम लेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा डो भी तैयार हो गया है, अब लोइए बना लेंगे। और फिर सूखा आटा लगा के इसको अच्छे से बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा तेल या फिर घी भी लगा सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे स्टफिंग। स्टफिंग डाल के इसको अच्छे से पैक कर लेना है ताकि हमारा जो मसाला है वो बाहर नहीं आए। फिर से सूखा आटा लगा के इसको अच्छे से बेल लेना है। हमें हल्के हाथों से इसको बेल लेना है, ज़्यादा इसके ऊपर प्रेस नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो मसाला है वो बाहर आ जाएगा और हमारा पराठा इतना अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा है और बिल्कुल अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छे से तवे पे सेक लेंगे। मैंने एक तरफ से सेक लिया है, अब इसको पलट लिया है। दूसरी तरफ जो पलट लिया था उसके ऊपर हम लगा लेंगे तेल और फिर से पलट लेंगे। फिर इसके ऊपर भी तेल लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो आप बटर भी लगा सकते हैं, मैंने तेल का यूज़ किया है। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। आप इसे दही के साथ या फिर अचार के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। अगर आप चाहें कहीं बाहर जाना हो तो आप फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।